दिस इज हीलिक्स मेटल फिट स्मार्ट वॉच बाय टाइमेक्स ग्रुप। प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 2800 रुपीस और नाम से हमें पता चल रहा है मेटल फिट जो नाम दिया गया है इसमें आपको मेटलिक बॉडी मिलने वाली है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित प्रिथियानी एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर लिजी टेक। देखा जाए टाइमेक्स ग्रुप एक के बाद एक अपनी स्मार्ट वॉच सेक्शन में बहुत सारे लॉन्चेस ला रहा है। मैं इनकी काफी स्मार्ट वॉच के ऑलरेडी लॉन्च जो हो चुकी है उनके रिव्यूज कर चुका हूं। अगर आपको डिटेलिंग देखनी है तो हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर चेकआउट करके देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसको अनबॉक्स, चेक करेंगे क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, फिर हम चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस, लुक एंड फील, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, और एंड तक पहुंचते पहुंचते हम डिसाइड करेंगे कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से कितनी वर्दी स्मार्ट वॉच है। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। This is the box of the Helix Metal Fit Smartwatch you will be getting once the product is reached to you. Compact सी यहाँ पे आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे काफी स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, हमारे चेकआउट करेंगे सारे के सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। एंड यहाँ पे आपको वॉच 5 डिफरेंट कलर्स में आती है, अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक QR कोड दिया गया है Helix Smart एप्लीकेशन का, एक्जैक्टली कैसे एप्लीकेशन वर्क करती है हम आगे बताने वाले हैं। एंड बॉक्स के अंदर हम कंटेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक स्टार्ट गाइड, यूजर स्टार्ट गाइड, इसको आप चेकआउट करके सारे के सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच के वारंटी भी इससे आप चेकआउट करके देख सकते हैं। साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक USB टू मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक, USB से प्लग इन करके आपको क्या करना है, जो वॉच के बैक साइड में दो पॉइंट्स दिए गए मैग्नेट से, इसे आप चार्ज कर सकते हैं। एंड आपको अप्रॉक्सिमेटली 10 डेज का बैटरी लाइफ मिलेगा ऑन नॉर्मल यूसेज। वॉच पर आएंगे हम मेनली, सो दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग और अच्छा खासा लुक एंड फील प्रोवाइड कर रही है प्राइसिंग के हिसाब से। जो स्ट्रैप दिया गया है वो भी बिल्कुल क्वालिटी का लग रहा है। साथ ही इसमें आपको हिंजेस मिल जाएंगे, सिंपली आप डिटैच भी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्ट्रैप को। एंड यहाँ पे आपको एक प्राइस टैग देखने को मिल जाएगा, 5000 रुपीज प्राइस मेंशन किया गया है, बट इसका एक्चुअल प्राइस है 2800 रुपीज जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड अगर हम बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे चार्जिंग के, इससे आप चार्ज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को। और आपको कुछ सेंसर्स मिलने वाले हैं, इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट एंड फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। एंड साइड में देखेंगे जो मेन फीचर है, दैट इज अ मेटल फिट जो नाम दिया गया है, मेटलिक आपको बॉडी मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेटल प्रोवाइड किया गया है। अगर थोड़ी हाइट से गिरती हुई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट में जो स्टिकर दिया गया है इसको मैं निकालता हूँ। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1.3 इंचेस TFT डिस्प्ले, जो कि अच्छी क्वालिटी आपको स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी। और ऐसा कोई डेडिकेटेड बटन नहीं प्रोवाइड किया गया स्मार्ट वॉच पे आपको ऑन करने के लिए एक्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। जो आपका चार्जिंग डॉक है, जो आपको केबल दी गई है, उसको आपको बैक साइड में लगा के चार्ज करना पड़ेगा इनिशियली स्मार्ट वॉच को, तभी आपकी स्मार्ट वॉच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच हमारी ऑन हो चुकी है। एंड अगर हम बात करेंगे इसके लुक एंड फील की, यहाँ पे आपको ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, कलर डिस्प्ले अच्छा दिया गया है। स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप बिल्ट इन वॉच फेसेस दिए गए उसको आप चेक कर सकते हैं। यह वाला मैं वॉच फेस लगा देता हूँ। और जो इसका टच है बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, लेफ्ट में जाके आप यहाँ पे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। एंड राइट में आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेप काउंटर देखने को मिल जाएगा, अलग अलग ट्रैकिंग एक्टिविटीज। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे वाइब्रेशन का। सेटिंग्स में जाएंगे तो आप ब्राइटनेस कर सकते हैं सेट, और ब्राइटनेस एडिकेट दी गई हम आगे एक्जैक्टली चेक करेंगे आउटडोर कंडीशन में ब्राइटनेस कैसी है। सेटिंग्स में आएंगे तो आपको ब्राइटनेस, डाउनलोड एप्लीकेशन, पावर ऑफ, फैक्ट्री मोड एंड अबाउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम मेन फ्रंट स्क्रीन पे जाएंगे, होम स्क्रीन पे, एंड यहीं से अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, एक्टिविटीज, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, टाइमर, स्टॉपवॉच, अलार्म, फाइंड फोन एंड सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे एक्टिविटीज में आएंगे तो यहाँ पे आपको 10 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे। ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको एडिकेट 10 स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे, अपने हिसाब से कोई सा भी पिक करके एक्यूरेट ट्रैकिंग एक्टिविटीज ले सकते हैं। एंड अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करेंगे, इसमें आपको जो UI दिया गया है बिल्कुल आपको स्मूथ देखने को मिल जाएगा, ऐसे आपको लैग फील नहीं होगा, अच्छा आपको UI भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया है, ऑलरेडी मैं अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर चुका हूँ फोन में, दैट इज Helix स्मार्ट एप्लीकेशन। एंड मैन्युअली भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं Helix मेटल फिट का ऑप्शन दिया गया है। एंड सिंपली थोड़े बहुत आपको एक्सेस ग्राइंड करने पड़ेंगे एंड देन इट विल कनेक्ट विद योर स्मार्ट वॉच। वॉच पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्सेस ग्राइंड करना पड़ेगा, तब ये फोन एप्लीकेशन के थ्रू आपके स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैं कनेक्शन कर चुका हूँ। थोड़ी बहुत आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा लुक एंड फील आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का। फ्रंट में आपको सारी की सारी ट्रैकिंग एक्टिविटीज चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन में भी अलग अलग जो ट्रैकिंग एक्टिविटीज है आप एप्लीकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे वॉच फेसेस का, सिडेंट्री रिमाइंडर का, वाइब्रेशन अलार्म का, एंड आपको अलग अलग सेटिंग्स मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप चेकआउट करके सारी की सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स पार्ट में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग ऑप्शंस। यहाँ पे आप इधर पे जाएंगे तो लिफ्ट टू वेक का ऑप्शन भी दिया गया है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे साथ में आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। आपको कौन सी नोटिफिकेशन चाहिए, कॉल नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन, अपने हिसाब से आप एक्सेस ग्रैंड करके नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। तो आपको अलग अलग ऑप्शन इसी में एप्लीकेशन के थ्रू ही आप सेटिंग्स में अलाउ कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप स्मार्ट वॉच में भी ले सकते हैं। एंड अगर हम फिर से बैक साइड पे जाएंगे, बैक पे जाके अगर आप वॉच फेसेस पे जाएंगे तो आपको मल्टीपल वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन में ही काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के अच्छे गुड लुकिंग वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेट कर लेता हूँ, इसको सिंपली आपको सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। थोड़ी देर लग सकती है अपडेट होने में। एंड आप वॉच पे भी देख सकते हैं, इट इज़ अपडेटिंग द वॉच फेस एंड थोड़ी देर में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है एंड आप देख सकते हैं जो हमारे वॉच पे है, वॉच फेस अप्लाई हो चुका है, जो कि बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम आउटपुट दे रहा है। सो इस हिसाब से आप एप्लीकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइनली मैंने स्मार्ट वॉच को अपने हाथों में पहन लिया है और लुक एंड फील बिल्कुल क्लासिक प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल बढ़िया लुक एंड फील प्रोवाइड कर रही है प्राइसिंग के हिसाब से। और जो इसके सेंसर्स दिए गए उसको हम थोड़ा बहुत चेक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही प्ले करेंगे थोड़ी देर आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा हाथों में एंड इट विल शो यू द रीडिंग। इट इज शोइंग 89 बीट्स पर मिनट, इट इज़ नॉर्मल। बैक साइड में गया था हम जाके इस ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट भी चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको थोड़ी देर तक फिर से हाथों में होल्ड करके रखना पड़ेगा, देन इट विल शो यू द रीडिंग्स एंड इट इज शोइंग 97% ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट। ओके, तो इस हिसाब से आप चेकआउट करके सारी की सारी जो इसकी एक्टिविटीज़ है उनको भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। एंड अगर हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे आपको कॉल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इससे आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, बात तो नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको कॉलिंग का फीचर नहीं दिया गया है। सिंपली आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं और कॉल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। सो ऐसे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी जो मैं स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में आउटडोर कंडीशन में यूज़ कर रहा हूँ, जो ब्राइटनेस दी गई इसको मैं यहाँ पे फुल कर देता हूँ। एंड आप देख सकते हैं इजिली विजिबल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन आप अच्छी विजिबिलिटी के साथ इसको डायरेक्ट सनलाइट में आउटडोर कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। एंड साथ ही में इसमें आपको मिलने वाला है IP68 वाटर प्रूफ रेजिस्टेंट फीचर्स। इसको आप स्विमिंग के टाइम अच्छे अगर वाटर स्प्लैशेस भी लगते हैं तो ऐसे जो आपके स्मार्ट वॉच में दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका जो नाम दिया गया है मेटल फिट बिल्कुल जस्टिफाई करता है इसका नाम, और प्राइसिंग के हिसाब से आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्टडी देखने को मिल जाएगी। जो मेटलिक दिया गया है स्मार्ट वॉच बिल्कुल आसपास जो मेटलिक कवर दिया गया है बिल्कुल सही तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। मेटलिक फिनिश बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की स्मार्ट वॉच रखती है प्राइसिंग के हिसाब से। एंड थोड़ा आपको डिस्प्ले छोटा देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल डिस्प्ले कंसीडर करना चाहते हैं तो उसको ऑप्शन में रख सकते हैं। इसकी प्लस पॉइंट ये है कि जो इसका यूजर इंटरफेस दिया गया है बिल्कुल आपको लैग फ्री मिलने वाला है। आप कितनी भी रफ इंटरफेस करेंगे UI में आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इसकी प्लस पॉइंट है। इसको आप डेफिनेटली डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज कर सकते हैं, विजिबिलिटी काफी हद तक आपको इंप्रेसिव देखने को मिल जाएगी। एंड एक चीज मुझे इसमें लगा कि इसमें एटलीस्ट बटन देना चाहिए, इसमें आपको कोई डेडिकेटेड बटन नहीं मिलने वाला स्मार्ट वॉच में। मेरे ख्याल से बटन देना चाहिए था ताकि इजी हो जाए ऑन ऑफ करना, स्विच करना, जो एप्लीकेशन से उसको आप बैक कर सकें या फिर आप एप्लीकेशन मोड में जा सकें। इसमें आपको कोई डेडिकेटेड बटन नहीं मिलने वाला है, सिंपली आपकी स्मार्ट वॉच ऑफ है तो आपको सिंपल चार्ज करना पड़ेगा, स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से उनको बटन देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो मेटलिक फिनिश दिया गया है इसके कॉर्नर्स में, हो सकता है इसकी वजह से उन्होंने बटन इंप्लीमेंट नहीं किया है। एंड इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें आपको एडिकेट फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल डेली वर्कआउट एक्टिविटीज करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं, बहुत ज्यादा हार्डकोर एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स नहीं करते हैं, इसको आप कंसीडरेशन में रख सकते हैं। जो इसकी ट्रैकिंग एक्टिविटीज है आपको ऑलमोस्ट एक्यूरेट देखने को मिल जाएंगी। एक्टिविटीज को लेकर मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी। और साथ ही मैं एप्लीकेशन का यूज करके इसमें आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, इसमें आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे आप कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, बात तो नहीं कर पाएंगे, ब्लूटूथ कॉलिंग तो इसमें नहीं दी गई है, लेकिन इसमें आप नोटिफिकेशंस देख पाएंगे जो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करती है, उसमें भी आप ट्रैकआउट कर सकते हैं सारी की सारी एक्टिविटीज और वॉच फेस भी चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। सो अगर आपको एक नॉर्मल यूसेज के लिए, अगर आप बिल्कुल बहुत ज्यादा हैवी यूसेज नहीं करते स्मार्ट वॉच का, अगर आपको एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच चाहिए जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिल जाए, अच्छे खासे आपको फीचर्स मिल जाए, जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर हो गया, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट हो गया और आपकी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हो गई स्पोर्ट्स की, उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको एक सिंपल सोबर अच्छी बिल्ड क्वालिटी की रफ एंड टफ स्मार्ट वॉच चाहिए प्रीमियम क्वालिटी की, इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। प्राइसिंग के हिसाब से बिल्कुल ये जस्टिफाई करती है। मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दे दिया, वहां पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो या कुछ पूछना हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज ऑफ द रिसेंटली लॉन्च हीलिक्स मेटल फिट स्मार्ट वॉच बाय टाइमेक्स ग्रुप। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।